नमस्कार पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट की इसमें हमने देखा कि किस प्रकार अगर इंटरप्ट इनेबल सिग्नल डिसेबल होता है तो ये आई सिग्नल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती अगर प्रायोरिटी एनकोडर आई सिग्नल जनरेट भी करता है और आई एन सिग्नल जीरो होता है इंटरप्ट इंटरप्ट सिग्नल नहीं भेजा जाता तो ये ये जो बिट है, ये एक एक तरह से प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी देती है कि जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है इस समय सीपीयू द्वारा क्या उस प्रोग्राम को इंटरप्ट किया जा सकता है बीच में कि नहीं अगर प्रोग्रामर चाहता है कि वो एक लो प्रायोरिटी जॉब है या फिर ऐसा कोई क्रूशल काम नहीं है जिसे बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता तो ये आईएन बिट को सेट कर देता है और अगर कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा टास्क एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिसे बीच में इंटरप्ट करने पर कुछ हानि की संभावना है तो वो इस आईएन बिट को डिसेबल कर देता है और ज्यादातर कंप्यूटर में हार्डवेयर के माध्यम से जब सीपीयू इंटरप को एक्नोलेज कर देता है तो दोबारा इस बिट को इस आई बिट को रिसेट करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की बात करें जो हमने इंटरप साइकिल में बात किया थी पिछले लेक्चर्स में तो किसी भी इंटरप साइकिल के खत्म होने के बाद जो सीपीयू है वो आईएन और आईएसटी बिट्स का स्टेटस चेक करता है अगर आईएन और आईएसटी फ्लिप फ्लॉप में कोई भी बिट जीरो होती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लग जाता है और अगर आईएन बिट और आईएसटी बिट दोनों वन होते हैं तो फिर नया जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना होने नहीं होता है बल्कि इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होता है यानी कि अगर आईएन और आईएसटी दोनों वन होते हैं तो इंटरप्ट साइकिल एग्जीक्यूट होता है और अगर आईएन और आईएसटी में से दोनों में से कोई भी अगर जीरो होता है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल एग्जीक्यूट होता है इंटरप्ट साइकिल के ये सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर अभी माना कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन तो बीच में सीपीयू को किसी डिवाइस ने इंटरप्ट किया तो जब भी इंटरप्ट करता है सीपीयू को, को कोई डिवाइस तो उसकी सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना होता है और उस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद सीपी दोबारा उसी प्रोग्राम में चला जाता है जिसको वो पहले से एग्जीक्यूट कर रहा था जहां पे वो इंटरप्ट हुआ था और उससे अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है इसका मतलब ये है कि सीपीयू को रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने की जरूरत होगी तो उसके लिए वो क्या कर रहा है जो रिटर्न एड्रेस है उसे स्टैक पॉइंटर में स्टोर कर दे रहा है तो जो पहले दो स्टेप हैं ये यही काम कर रहे हैं जो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट है वो स्टैक पॉइंटर पे अपडेट किया जा रहा है और स्टैक में वो रिटर्न एड्रेस को सेव कर रहा है उसके बाद ये सीपीयू इंटरप को एक्नोलेज कर रहा है यहां पर इस स्टेप में उसके अगले स्टेप में जो वेक्टर एड्रेस है यानी कि सर्विस रूटीन का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जा रहा है ताकि अगले स्टेप में ये ये सर्विस रूटीन, जिसका एड्रेस एड्रेस वेक्टर स्पेसिफाई किया है मेमोरी का वो एग्जीक्यूट हो और नेक्स्ट फेच फेज में जाने से पहले जो आई एन बिट है इसको क्लियर कर दिया जाता है और उसके बाद मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन फेच होता है जो कि ये वेक्टर एड्रेस स्पेसिफाई करता है यानी कि इससे आगे सर्विस रूटीन जो है उस उसका जो एड्रेस स्पेसिफाई किया जा रहा है वेक्टर एड्रेस के माध्यम से वहां से इंस्ट्रक्शन फेच होने शुरू हो जाते हैं